कैसा गया पेपर? अच्छा पेपर गया। रुको जरा, सबर करो। के लगभग कितने नंबर का हो गया? दादा 30 नंबर का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 30 नंबर का मतलब अपने दिल की बता दी तुमने? तो दिल की बता दी मैं। बहुत चंगा ना मैं। बहुत पहले बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताए तैयारी कैसी करी थी? तैयारी ढाई बजे नो डांस करो। डांस मुर्गा डांस हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके। तो दोस्तों अभी हम आए हैं शिवम कॉलेज जो कि सेंटर है, और आपको सभी को पता ही होगा कि अभी MP बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज था 12th का एग्ज़ाम जो कि हिंदी का था, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कैसा गया एग्ज़ाम। सूरज शर्मा। सूरज हाँ। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। अच्छा गया। आप कितने नंबर का करके आए हो? 70 नंबर का। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए तैयारी किस तरह से की थी तुमने? कुछ नहीं, पढ़ते थे, कोचिंग भी जाते थे। जैसे कोचिंग तो क्या है कि कोरोना काल में बंद थी, स्कूल भी नहीं खुल पाए थे, किस तरह से तैयारी करी थी? ऑनलाइन स्टडी करते थे। अच्छा कितने घंटे तैयारी करते थे? यही कोई 7-8 घंटे। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से बात करते हैं। आइए इधर दिखा दीजिए। क्या नाम? राहुल। राहुल कैसा गया पेपर? बढ़िया। आप कितने नंबर का करके आए? 70 से पास लायक हो गए। पास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कैसे तैयारी करी थी? कोच में गए थे और क्या, और अपने मतलब कितने घंटे तैयारी कर लेते थे? 5 घंटे। 5 घंटे। कौन सी कुंजी से ज़्यादातर क्वेश्चन फंस रहे हैं? प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक सारे आ जाते हैं सर। बात चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या नाम है? मयंक लचका। पेपर? पेपर तो अब क्या बताएं हम आपको। हाँ क्यों बता दो, क्या बताएं बोलो, कैसे बताएं? कैसा आया पेपर, सरल था कि कठिन था? अब जिस हिसाब से सर पढ़ाई हुई है उस हिसाब से तो पेपर कठिन है। अच्छा कठिन है। हाँ सर, क्योंकि जैसे कभी ट्यूशन जाते हैं, कभी एक एक महीने के लिए ट्यूशन बंद हो चुके हैं, तो इस तरीके से घर पे पढ़ाई होती नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इस हिसाब से तो पेपर कठिन है। अब आगे रिजल्ट के ऊपर, कोरोना में कोचिंग तो बंद थी, स्कूल भी बंद थे, सब तो बंद था। किताब जैसे किताब और कुंजियों के जरिए हो जाती थी, एक दूसरे से सहायता ले लेते जो पिछली बार पढ़े हैं, ऐसा हुआ है और कुछ नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, बस लगभग किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक आध क्वेश्चन बता? इतना तो आपको कैसा लगा था एकदम से? अरे ऐसा नहीं, तैयारी चल रही थी, पेपर तो देने ही है। सर नाम भूपेंद्र, नाम मेरा भूपेंद्र। कैसा गया पेपर? सर अच्छा है, अच्छा रहा पेपर मेरा। जैसे एक दिन बाद जैसे आया पेपर, कैसी तैयारी हो गई थी? सर ठीक तैयारी हुई थी हमारी। अच्छा तो सर लॉकडाउन की वजह से सर सही से हमारी तैयारी नहीं हो पाई थी आगे सर। अच्छा, तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी? नहीं सर, वो सर वैसे मेरा पेपर ठीक रहा सर। अच्छा ओवरऑल ठीक रहा। ऑनलाइन तैयारी की थी आपने? सर ऑनलाइन नहीं की थी सर, मैंने अपने रूम पे करी थी सर, यहाँ पे रहते पुरसा में, बस सर यहीं पे करी थी तैयारी। अच्छा ये बताइए कोरोना में आप जैसे कोचिंग तो खुली नहीं थी, ना स्कूल खुले थे, घर पे कितने घंटे तैयारी कर लेते थे? सर वो सर 4-5 घंटे बस। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर हो जाती। चलिए भाई कोई कुछ क्वेश्चन बताओ किस तरह के आए थे क्वेश्चन? उस तरह क्या पार्टी के आधार पर आए, ज़्यादा क्वेश्चन पार नहीं गए। अच्छा अच्छा सिंपल आया, सिंपल क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। तैयारी किस तरह से की थी आपने? तैयारी तैयारी दो दिन मैंने कोर्स पढ़ाई। जैसे कि लॉकडाउन में स्कूल कोचिंग तो खुल नहीं पाए थे, घर पे कितने घंटे तैयारी कर लेते थे? घर पे 2-3 घंटे तैयारी की थी। 2-3 घंटे में पास हो गए? हो जाओगे मतलब? हो गए पास तो हो जाएंगे। बढ़िया अच्छे नंबर, बहुत बढ़िया गया मेरा पेपर। अच्छा बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा दादा सचिन उपाध्याय। उपाध्याय जी कैसा गया पेपर? अरे बढ़िया गया, पास हो जाएंगे। पास हो जाओगे? कितने नंबर का करके आए हो? मैं करके आया हूँ 70 नंबर का। एक दिन का गैप मिला, कितने घंटे पढ़ाई करी थी? कुछ भी नहीं, 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ लिए थे? अरे वाह। अच्छा ये बताइए पूरी साल कोचिंग वगैरह चली नहीं, कैसे पढ़ाई करते थे? जैसे भी नहीं, ऐसे घर पे जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, घर पे कर रहे हैं, ऐसे चलता रहता था। ज्यादा हो जाएगा। हाँ कैसा गया पेपर? पूरा एकदम फर्स्ट क्लास पेपर गया। रुको जरा सबर करो यार, पूरे में कितने भी नंबर काटे हो तो 10 नंबर भी चेक कर। कितने नंबर आ जाएंगे लगभग? लगभग 90 नंबर, 90+। 90+ 90+ भाई नहीं आ रहा। पेपर आया ऐसा आया तो थोड़ा बहुत दिमाग में था जो पढ़ लिया, याद किया, लिखा आया। कोई क्वेश्चन ऐसा आया था जो सिलेबस से बाहर आया हो? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ
मतलब कि कोचिंग वगैरह तो खुल नहीं पाई थी, कोचिंग वगैरह सही से पढ़ नहीं हो पाए, स्कूल भी नहीं खुल पाए थे। जब एकदम से सरकार के निर्देश आए कि पेपर होगा, कैसा लगा था उस समय? उस समय तो ऐसी घबराहट हुई थी बहुत ज्यादा कि कहीं जाकर डूब मैं। पर खराब क्या है, अच्छा नहीं गया? एक दिन का गैप मिला है, 15 दिन की वैसे छुट्टी कर दी थी, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। चलो आज के दिन कितनी पढ़ाई कर ली थी? पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं भाई। क्या नाम है? नितिन। नितिन भाई कितने नंबर का पेपर हुआ है? अरे बहुत अच्छा है। कैसा गया पेपर? अच्छा पेपर गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के लगभग कितने नंबर का हो गया? दादा 30 नंबर का। मतलब अपने दिल की बता दी तुमने तो? दिल की बता दी मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। बहुत पहले है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताए तैयारी कैसी करी थी? तैयारी बिल्कुल ना, 2:30 बजे नो डांस करो, मुर्गा डांस, मुर्गा डांस। बड़ा हरामी हो बेटा। हमें नागिन नागिन। अच्छा सेटिंग बनाओ रुमाल। क्या नाम है? विपिन योगेंद्र। अच्छा किस तरह से पढ़ाई करी थी तुमने? पढ़ाई करी थी लगभग रात भर करी थी कि 2-3 घंटे में काम चल गया था? अब आ ले लेंगे भाई। क्या नाम है? सूरज चौहान। पेपर था क्या? हाँ पेपर था। कितने नंबर का गया? 90। 90। बात तो कर लो, जा कहाँ रहे? अच्छा ये बताइए किस तरह से तैयारी की? बात तैयारी की खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।